एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये नए सिलेबस का 3.3 है, वैसे एक्सरसाइज नंबर 3.4 है एनसीईआरटी बुक की पुरानी बुकों में, और नई बुकों में 3.3। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड है वो सोल्व करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो मैं क्या मान रहा हूँ, मानना इकाई का अंक बराबर एक्स, दाईकांक बराबर वाई। इकाईकांक कितना आ रहा है एक्स, और दाईकांक कितना आ रहा है वाई। आगे कह रहे हैं इनका योग करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न अनुसार चलेंगे अपन। जब एक्स प्लस वाई करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों का योग कितना रहा है 9, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब यहां से देखिए तो संख्या क्या होगी, मैं संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान क्या रखना है। जैसे मान लो ये 23 है, ये दो अंकों की कोई संख्या है, ये कैसे बनी है, इसमें एक अंक 2 है और एक अंक 3 है, तो हमने क्या किया है 2 को तो 10 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस में क्या किया है 3। छोटी क्लास में एक्सपेंड फोरम पढ़ा होगा ना आपने, 4th-5th क्लास में, 2, 3 तो 2 × 10 20 प्लस 3 जब जाके क्या बना है 23। तो ये हमारा कौन सा अंक है, दाईकांक, और ये कौन सा है इकाईकांक। तो ऐसे ही जो ये संख्या है इसमें इकाईकांक क्या है हमारा x, तो ये x तो ऐसे कैसे रहेगा, जो दाईकांक है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। और अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर जो अंकों को पलटने पर संख्या बढ़ेगी उसमें जो इकाई का अंक है वो तो दाई का हो जाएगा, और जो सॉरी जो दाई का अंक है वो इकाई का, जो इकाई का है वो दाई का, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये ओरिजिनल जो नंबर है वो है, और ये क्या है जो अंकों को पलटने पर आया वो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या क्या बन रही है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना अर्थात 9 से गुना करने पर बराबर किसके हैं, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के क्या है बराबर है। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड यहाँ से सोल्व करते हैं, तो ये हो गई 10 × 90y प्लस के 9x इक्वल्स टू 10 × 20x प्लस के 2y। एक्स इस एक्स को इधर लेके आऊँगा तो ये हो गई 9x माइनस के 20x, और ये प्लस के 90y माइनस के 2y इक्वल्स टू 0। विलोपन विधि से सोल्व करना है इसलिए अपन विलोपन वाले पैटर्न में बदलेंगे, तो ये माइनस के 11x और प्लस के 88y इक्वल्स टू 0। 11 का भाग दे सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का x प्लस के 8y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर अपने बन गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन सेकंड है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी एक्स ये कोफिशियंट 1 है, और समीकरण सेकंड में भी एक्स का कोफिशियंट कितना है वाई। अब अपन सोल्व करेंगे समीकरण, ये मैंने फर्स्ट लिखी, ये मैंने लिखी समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। जो समीकरण फर्स्ट थी वो है अपनी एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण सेकंड है माइनस एक्स प्लस के 8y बराबर के 0। करना क्या है, साइन जब अलग अलग होता है तो हम क्या करेंगे, प्लस, प्लस करने पर एक्स कैंसिल, 9y बराबर के कितने आ गए 9, और y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर कितना निकल के आ गया 1। अब y का कोफिशियंट देखते हैं, यहाँ पे y का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशियंट 8 है, तो समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। समीकरण 1 मल्टीप्लाई 8 गुणा में समीकरण नंबर ये दो अलग से, जैसे ही समीकरण 1 को 8 से गुणा करेंगे तो हम हो जाएगा 8x प्लस की 8y इक्वल्स टू 9 ही बेहतर, सभी को मल्टीप्लाई करना है। और समीकरण नंबर जो 2 है वो लिखी हुई है माइनस एक्स प्लस की 8y बराबर 0। जैसे ही अब सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 8 रेख क्या हो जाएंगे 9x बराबर के 72, एक्स बराबर 8 आ जाएगा। तो जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, जो संख्या है वो क्या बनेगी, जो इकाई का अंक था वो तो है 8, जो दाई का अंक है 1, तो संख्या क्या है 18। तो यहाँ भी देख सकते हो 18 का जब 9 गुणा करोगे
और जब 72 का आप 2 गुणा करोगे है ना, एक बार दोबारा देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है 8 और y कितना आ रहा है 1, तो जो नंबर है वो क्या बन रहा है 18। 8 प्लस 1 कितना हो रहा है, 1 प्लस 8 बराबर क्या हो रहा है 9, सॉरी दाई का अंक तो y है, हाँ तो y 1 हो गया, x हो गया 18। जो ओरिजिनल संख्या थी वो क्या है 18, और जब 18 को 9 से गुणा करोगे ठीक 72 है ना। देखो अगर चेक करना चाहे तो अपन ये बनेगा 9 गुणा 18 बराबर होना चाहिए 2 गुणा 81 के, 9 8 72 7 9 7 16 और 2 1 2 8 19 16, इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है सही है।